ओम नमः श्री नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सवसाहुरं वंदे तु सवसिद्धे धोवमचलमणोवम गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समयसार नाम का परमागम ग्रंथ है। ये वही समयसार है जिसके लिए हम और आप रोज मंगल पाठ करते हैं। बनावूं पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरों लखी तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कदी। ये वही समय सार है कि जब किसी आसन्न भव्य जीव को मिले तो मुट्ठी भर के रत्न पकड़ा देवे। ये वही समय सार है कि भव्य जीव इसे पढ़ लेवे तो उनके मुख से एक ही वाक्य निकलता है, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे। ऐसा शास्त्र हमारे हाथ लग गया है, ये कोई इस युग का आश्चर्य है। आप क्या समझते हो 10-20-25-50 साल पुरानी चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। 1500 साल पहले बड़े बड़े जो महल बनाए गए थे, जो विश्वविद्यालय नालंदा पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, आज हम उसके दर्शन करने जाएं तो पता नहीं चलता है कहाँ क्या है, सिवाय वो खंडहर और मोटी दीवारों के। दो जो 1000 साल पुरानी रचनाएँ बच गई, ये महाभाग्य है, क्योंकि इसके बीच में जो परिस्थितियाँ बनी उनका विचार भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे ग्रंथालयों में आग लगाई गई, 6-6 महीने तक आग लगी रही, ये बच कैसे गए? कोई हमारा पुण्य शेष था तो हमें ये देखने मिल रहे, पढ़ने मिल रहे। वसीयत नष्ट हो जाए तो दर दर का भिखारी बने बिना और क्या उपाय है जीव के पास? आप क्या समझ रहे हो? लोगों ने न केवल मंदिरों पर कब्जा किए, वहाँ के शास्त्र भंडार जो थे ताड़पत्र के लकड़ी के, इतिहास का साक्ष्य है ये कि लोगों ने उस पर चाय बना बना के पी है, भोजन बनाया है, ईंधन का काम किया है। ये बच गया है सो कोई मेरा पुण्य शेष होगा। श्रुत के लेखकों ने कितनी कितनी कठिनाइयों से ये लिखा है, कितनों ने बलिदान इसमें, जैसे हम देशभक्ति के लिए याद करते हैं, न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है। आप क्या समझ रहे हो? ये श्रुत के संवर्धन में अकलंक निकलंक जैसे समर्थ आचार्यों ने, जिनको जान गंवानी पड़ जाए, टोडरमल जी जैसे प्रकांड विद्वान जिनको जान गंवानी पड़ जाए, यानी ये मौत की कीमत पर लिखे गए शास्त्र हैं और हम समय की कीमत पर पढ़ भी ना पाए, सो हमारे से अभागा इस विश्व में और कौन हो सकता है? हमारा कोई भाग्य है
कि ये ग्रंथ हमें छूने मिल रहे हैं, देखने मिल रहे हैं, पढ़ने सुनने मिल रहे हैं, ये परमागम है। दो स्कंध रचे गए, एक प्रथम श्रुति स्कंध, एक द्वितीय श्रुति स्कंध। प्रथम स्कंध का नाम आगम है और ये जो द्वितीय श्रुति स्कंध है इसका नाम क्या है? परमागम है। क्या स्पेशल है इसमें? उसका नाम क्या है? आगम। और इसका नाम क्या है? परमागम। यानी कुछ तो विशिष्ट है ना, विशेषण का किसके लिए लगा है? ये उससे भिन्न है, ये उससे जुदा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये उससे विशेष है, ये जरूर है। क्या विशेष है? आगम तो बहुत विस्तृत है, बहुत बहुत विस्तार को प्राप्त है आगम, और परमागम सार को प्राप्त है। दोनों में विविधता का अंतर पता चला? आगम में बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार हर चीज का, और परमागम में सार है। जिनकी सामर्थ्य कम है, जिनकी आयु अल्प है, जिनकी बुद्धि अल्प है, उनके लिए परमागम रामबाण के समान है। जैसे दूध में और घी में क्या अंतर है? दूध और घी में क्या अंतर है? कि घी का जन्म दूध से ही हुआ है, ये परमागम का जन्म आगम से ही हुआ है। आगम के सूत्रों से निबद्ध है, ये आगम से हटके नहीं है परमागम। लेकिन जो भेद दूध और घी में है, 10 किलो दूध पिए और समझो 100 ग्राम घी खाएं, वैसा कोई स्वरूप है इसका? देखो, महिमा तो जितनी की जाए उतनी कम है। हम प्रयास करेंगे इस महिमावंत विषय वस्तु से हमारा क्या लाभ है, हमारा क्या फायदा है, इस शास्त्र के पढ़ने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। क्योंकि हमको जितनी जो कुछ भी आकुलता है, परेशानी है, बेचैनी है, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, जो कुछ भी आप कहते हो, वह सब एक अज्ञान का दिया हुआ है। और ज्ञान होने पर वो सर्व दुख कपूर की भांति उड़ जाता है। लोक में भी ऐसा ही कोई प्रयोग है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ऐसी भयानक आकुलता उत्पन्न हो जाती है अज्ञानता के कारण से। बिगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, गलत फहमी होगी, हमें लगा के बिगड़ गया। बस इतने से वस्तु बिगड़ी है या नहीं बिगड़ी है वहाँ तक तो गए ही नहीं, हमें लगा कि वस्तु बिगड़ गई। ये जो है प्लास्टिक का डब्बा, सब परिचित हैं इससे, नया नया लेके आए थे, घर में बस रखा ही था। वो 3-4 साल की बच्ची ने इसको देखा, बोले कुछ कचरा लगा है, नल के पास गई और नल चालू करके इसको साबुन से धोने लगी। अब बोलो आपके आत्मा में क्या बीती होगी? आपका सहयोग किया ना उसने, क्या हुआ होगा ये आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा शरीर जो है रग रग में क्रोध व्याप गया। अरे मैं तो मर गया, नष्ट हो गया मैं। उनको छिड़ाया होगा, डांटा होगा, पीटा होगा, जो भी किया होगा, समझाया होगा, दहशत में। योगानियों की बात है, पानी अंदर नहीं जा पाया और बच गया। लेकिन अब जब भी घर में घुसूं तो सबसे ऊंची जगह पर सबसे पहले इसको रखूं। क्यों? क्या कहूँ, ये दहशत उत्पन्न हुई ना, हर पल हर क्षण मैं इस बात से भयभीत रहता हूँ कि इसमें पानी ना चला जाए, इस भय से भयभीत रहता हूँ। खाली बैठे थे घर में, इसके साथ एक डब्बा आया था, वो डब्बे में एक इसका शास्त्र आया था, बुकलेट। हाँ, बुकलेट हाथ लगी, उसके पहले ही पन्ने पे बड़े बड़े अक्षरों में ये बात लिखी थी, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। यह जो आपके पास मोबाइल है इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता है। ओहो, शास्त्र की बात पढ़ के ऐसा हालात आया, ऐसा आनंद आया। किस बात का आनंद आया? ओहो, प्रतिक्रमण प्रायश्चित हुआ अपने किए हुए क्रोध पर। मैंने व्यर्थ ही क्रोध किया, मैंने व्यर्थ ही डांटा, इसका तो कुछ बिगड़ने वाला था ही नहीं।
अब जब जब भी घर में घुसूंगा मैं इसको ऊंचाई पर रखूंगा, मुझे दहशत रहेगी, फिर तो पानी भी बरस रहा होगा, हम हलो हलो करते रहेंगे। तो आप जो दहशत मुक्त हुए उसका आधार क्या है? बोले उसका आधार है कि इसके साथ में जो शास्त्र आया था उस शास्त्र में लिखा था, क्या लिखा था, कि यह जो मोबाइल है इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता है। बस इस एक लाइन ने आपको दहशत मुक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? तो नहीं पहुंच रही क्या आवाज जी? बाजू में आ जाओ जिनको कम सुनाई दे। हाँ ऐसा होता है, उसमें क्या है, रुक जा भाई। एक एक क्षण मेरी आकुलता में व्यतीत होता था, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। अब एक एक पल में दहशत मुक्त हो गया। अब स्वप्न में भी मुझे इस ये भय लगता है कि मेरा मोबाइल पानी से तो खराब नहीं हो जाए। स्वप्न में भी ये भय लगता है? नहीं लगता है। अगले दिन उसने वो चाबी थे छल्ले का, वो खरच 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 करने लग गया। तो मैंने क्या चिल्लाऊं, उससे पहले शास्त्र पढ़ लूं। उसमें लिखा था स्क्रैच प्रूफ। मैं एक एक पंक्ति पढ़ता जा रहा हूं और इसकी महिमा भी आती जा रही है और निराकुल भी होता जा रहा हूं। ये दृष्टांत मात्र है। एक ये डिवाइस है, ये कि शुद्धात्मा है, इसके क्या फीचर हैं, इसका क्या स्वभाव है, इसका क्या स्वरूप है, वह इस शास्त्र में लिखा है। आप पढ़ते जाओ और अनंत अनंत काल के लिए निराकुल होते जाओ, बसरते बसरते जैसी श्रद्धा इसके साथ आए हुए शास्त्र पे थी वैसी श्रद्धा इस पे हो। इसमें लिखा है ना, आत्मा अजर अमर है, पर बात खत्म। अब क्या होगा कि अब मरने का भय उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? शास्त्र में लिखा है ऐसा। क्या कमाल है बुद्धि का, गहरे गहरे नत्थू खेरों के द्वारा लिखे गए चार पन्नों पर हमें इतना भरोसा है कि हम पानी में छोड़ देते हैं, निराकुल रहते हैं। केवली भगवान की वाणी की परंपरा के अनुसार लिखे गए शास्त्रों पर हमें उतना भी भरोसा नहीं। इसमें लिखा है ना आत्मा अजर अमर है, हम दिया जलाए बैठे हैं, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। हम एक एक काव्य पे एक एक दिया जलाने लग गए कि मर नहीं जाए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, हम शांति पे शांति धारा किए जा रहे हैं, मर नहीं जाए। हमारे कक्का हॉस्पिटल में भर्ती है, हमारे बच्चा फलानी जगह भर्ती है, हमारा यात्रा पे गया, कुछ हो नहीं जाएगा। कर क्या रहे हो, तुमको कुछ पता भी है कि नहीं? तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि तुम मर नहीं सकते हो। अरे रोग का तो छोड़ो, हम जिस बात को पढ़ने जा रहे हैं वहां कहते हैं इस आत्मा में राग प्रवेश नहीं कर सकता है, ये राग प्रूफ है। और हम इतने से घबरा गए कि हमें रोग हो गया। शरीर का आकार बदल जाए, शरीर की उम्र बदल जाए, शरीर में रोग प्रवेश कर जाए, व्यापार में घाटा बाड़ा लग जाए, कोई थोड़ी बहुत निंदा प्रशंसा कर दे, हम कैसे दहशत में आ जाते हैं? चार आदमी के सामने नहीं कहना चाहिए था उन्हें, हमारी बेइज्जती हो गई। भ्रम तो यही उत्पन्न हुआ ना कि वो जो बेइज्जती थी वो तुम्हारी थी, और चार आदमी के सामने माला पहनानी हमारी इज्जत बढ़ गई। कि भ्रम तो यही हुआ कि वो जो इज्जत थी वो तुम्हारी थी। अरे इज्जत और बेइज्जती तुम्हारे में प्रवेश नहीं करती है। आप कल्पना कर सकते हो कितना उत्तम मार्ग है हमारे पास। किस निंदा प्रशंसा की बात करते हो भाई साहब? ये तत्व जिसके पास हो पूरे विश्व में भी निंदा को प्राप्त हो जाए फिर भी वह मोक्ष की यात्रा तय कर सकता है, और ये तत्व जिसके पास नहीं हो पूरा विश्व ही वाहवाही करे तो भी नरक निगोद में मिले जीव। गणित आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। शेर सुदर्शन जी को तो सब पहचानते हो ना, नाम सुना होगा, सब जानते हो, कहानी सबने सुनी है ना। रानी ने जब उनको प्रस्ताव दिया तो कह दिया, हे रानी मैं तो नपुंसक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, भगा दिया रानी ने। लेकिन बाद में जब पता चला, अरे तो उल्लू बना के चला गया, इसके तो तीन तीन छोकरे हैं। फिर क्या किया? फिर जुगाड़ की, वो सब कहानी आपने सुनी है। दासियों को भेजा, पुतला मंगवाया, चौकीदारों ने रोका तो वहीं फोड़ दिया। ओहो, चौकीदार घबराए कि क्या हो गया, कि रानी ने पूजा के लिए मंगाया था, तुमने सब काम बिगाड़ दिया। चौकीदार ने कहा, रानी को मत बता, तू दूसरा ले आओ, हमारे पैसे से लाओ, पैसे दो।
उदासियाँ पैसे भी ले गए, दूसरा पुतला ले आई, दूसरा कौन सा? अब बेरोक टोक अंदर डायरेक्ट। उसके बाद जो हुआ वो किसको नहीं मालूम है। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि आदमी महल में प्रवेश करके मेरी रानी को परेशान कर रहा है और उन्हें राजदंड दे दिया कि इसको सूली पर चढ़ाया जाए। समाज में खबर कितनी देर में पहुंची होगी, बिना व्हाट्सएप बिना मोबाइल के भी पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई बच्चे बच्चे को? मैं पूछता हूं, लोग आपस में अभी देखो सूली है, अभी सिंहासन बना नहीं है, क्या चर्चाएं कर रहे होंगे, क्या विचार कर रहे होंगे? क्योंकि अब बात सुनी सुनाई नहीं थी, अब बात थी रंगे हाथ पकड़े गए हैं। मुझे जहां तक अंदाजा है हर आदमी के मुंह पे एक ही बात थी, अरे यार अपन तो इन्हें बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते थे, शमशान घाट में डले रहते थे अष्टमी चतुर्दशी को, और कोई नहीं मिला इन्हें गांव में डायरेक्ट राजमहल। उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करो, पत्नी क्या सोच रही होगी, एक ही बात होगी ना, क्या कमी थी भाई घर में, बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अभी सिंहासन बना नहीं ना। मैं कहना चाह रहा हूं दृश्य कितना भयावह है, विश्व बदनामी जिसको कहना चाहिए ना। घर वाले अब साथ देने को तैयार है, क्योंकि घर वाले भी क्या करें, राजा ने रंगे हाथ पकड़ा है ना, कुछ सुनी सुनाई हो तो एक बार हम लीपापोती कर भी देंगे, वीडियोग्राफी सामने है, फोटो सामने खींच चुके हैं, अब क्या करें। ओहो कल्पना कर सकते हो, उससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। मेरी अंदाज है इससे ज़्यादा और कुछ बदनामी नहीं हो सकती है। पूरा गांव थूथू कर रहा है, राजदंड दिया जा चुका है, एक आदमी अपील लेके सामने नहीं आया कि राजन विचार कर लो। क्यों अपील लेके सामने नहीं आया? किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं लिया, न घर वालों ने, न समाज वालों ने, न परिवार ने। क्यों? रंगे हाथ पकड़े गए, अब क्या खाक स्टे ऑर्डर लेंगे? पूरे विश्व में थूथू होने के बावजूद भी वो जीव हर पल हर क्षण मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा था। आप किस बेइज्जती की चिंता करते हो भाई? लोग आपके बारे में क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, इससे आपका स्वर्ग नर्क तय नहीं होगा। लोगों की आप कैसी चर्चा का विषय बने हुए हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क तो परिणामों से पड़ेगा ना, अभिप्राय से पड़ेगा ना। और पूरा गाँव जिसके जय जयकार कर रहा हो, करोड़ों करोड़ जिसके फॉलोअर हों, बोलो वो जीव जेल में पड़ा हो क्या करे? अब हर आदमी जय जयकार कर रहा है, बड़े बड़े फोटो लगाए हैं, मालाएं पहना रहे हैं, और परिणाम नरक जाने के। इसलिए जो आप जो चर्चाओं में उलझे हैं ना, हम और आपकी निंदा हो गई, प्रशंसा हो गई, बोलो कौन की निंदा कौन की प्रशंसा। तुम जो तत्व हो उस तत्व का निरूपण यहाँ चलेगा, एक एक फीचर आपका बताया जाएगा। कई बार क्या होता है, तुम लाख रुपए का भी मोबाइल समझो बुजुर्गों के हाथ में पकड़ा दो तो उन्हें मेहमान नहीं आती उसकी, कहते इस प्लास्टिक में लाख रुपया का क्या है, बोले उन्हें से दो ही बटन पता है कौन सा, एक हरा एक लाल, आए तो हरा दबा देना और जाए तो लाल दबा, इससे ज़्यादा उन्हें पता ही नहीं, इसलिए मेहमान नहीं आती। लेकिन जब उनको बताया कि भैया इसमें प्रवचन भी सुन सकते हो, अच्छा है, फिर बताया इसमें फ़ोटो भी खींच सकते हो, इसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इसमें साक्षात प्रत्यक्षवत आप बात कर सकते हो, इसमें वीडियो कॉलिंग भी हो, जब उनको एक लंबी लिस्ट बताई वो, तब जाके धीरे 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 महिमा आई उसको। हमको अपनी आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता है, हमारी पीढ़ी को जैन शासन का स्वरूप ही नहीं पता है। हम पीछे पड़े, तुम्हें महिमा नहीं आ रही जैनियों की, महिमा कहाँ से आई उसे पता ही नहीं है भाई, उसे अंदाजा ही नहीं है जैन शासन कहते किसे हैं, उसको महिमा आए तो आए कैसे? महिमा आने के लिए उसके लक्षण मालूम होना चाहिए ना, उसके चिन्ह पता होना चाहिए ना, महिमा कैसे आएगी? जिनको स्वरूप ना मालूम हो उनके सामने रत्न भी रख दो, उसकी महिमा नहीं आती है। मेरे जीवन की तो सच्ची घटना है, मैं जब हीरे का काम सीखने गया तो ऑफिस में बैठ के जाके लैंप वैम्प लगा लिए कि भाई हीरा सीखने आए देखेंगे, और पढ़ रखा था सुन रखा था हीरा माने अंधेरे में भी चमके टॉर्च जैसा। हमारे पड़ोसी जिन्हें हमें सिखाना था उन्होंने मेरे पेट पे एक हीरे का टुकड़ा रख दिया, वो मुझे आकार से कंकड़ जैसा लगा, बनाने जैसा नहीं, तब मैंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, कोई कचरे की क्या जरूरत है, मैं तो हीरा सीखने आया हूँ। 10-5 मिनट निकल गए, वो कह रहे हीरा कहाँ है, मैंने कौन सा हीरा, मैं अभी मैंने यहाँ रखा, मैंने यहाँ तो मैंने कोई हीरा नहीं देखा भाई साहब, ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो गया, बोले ये मरवाएगा आदमी, पहले ही दिन आया।
और इधर हीरा नहीं देखा है मैंने, इधर देखा उधर देखा, पूरा छान मारा, बोले वीडियो कैमरा चेक करो, उसमें पता चला कि मैं उसको डस्टबिन में डाल रहा हूँ। अरे बोले तुमने फेंक दिया क्या? फेंक मेरे कंकड़ था वो, तो कंकड़ नहीं था माले वो हीरा था। स्वरूप ना ज्ञात हो तो कितनी अवज्ञा हम अपनी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, पंच परमेश्वर की, देवसार गुरु की, जिनवाणी की करें, स्वरूप नहीं मालूम है। और स्वरूप मालूम हो तो उसके बाद इतना सा भी हीरा खो जाए तो झाड़ू लगाएं, कहीं जाना नहीं चाहिए। स्वरूप मालूम हो तो, और स्वरूप ना मालूम हो तो पूरी मनुष्य पर्याय में DSLI लेके आग लगा दे जी विषय कषायों को भोगने में। स्वरूप ना मालूम ना उसे, स्वरूप पता चल जाए। स्वरूप कैसे पता चलेगा? एक ही उपाय है इसमें, हमारी आत्मा के समस्त फीचर्स गिनाए गए हैं, एक एक इनबिल्ट फीचर, अलग से डलवाने नहीं पड़ेंगे बाजार, डाउनलोड नहीं करवाने पड़े, इनबिल्ट फीचर है। एक एक धर्म, एक एक गुण यदि आपको उसका आभास हो, दुख तो आपके पास फटकेगा भी नहीं। एक एक गुण, अरे विशेष गुण तो विशेष कहे ही हैं, सामान्य गुण भी इतने विशेष हैं। चित स्वभावाय भावाय, क्या याद किया उसमें कि जिस आत्मा की हम बात करने जा रहे हैं वो भाव स्वरूप है, वो अस्तित्वमयी है, उसकी सत्ता है। क्या मतलब है इसका कि जिसकी सत्ता है, विश्व की कोई भी ताकत उस सत्ता का नाश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती उस सत्ता का नाश विश्व की कोई भी ताकत? क्योंकि उस सत्ता को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। किस सत्ता को? ये कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं चल रही भाई। किस सत्ता को? कि इस सत्ता को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, इस कारण से कोई इसका नाश नहीं कर सकता है। हजारों हजार गुण ऐसे हैं, अभी हमने सिर्फ एक गुण की एक पंक्ति कही है। बोलो आप तनावग्रस्त हो कैसे सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा कैसे सकते हैं? क्योंकि आपकी सत्ता का तो नाश ही नहीं हो सकता है। और बाजार में दवाई काहे की बेच रहे हैं कि हमसे दवाई ले लो तुम मरोगे नहीं। कमाल कर, हम क्या कह रहे हैं कि मरण नाम की बीमारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और वो दवाई बेच रहा है। और जिसको तुम मरण कह रहे हो, शरीर के वियोग को जिसको तुम मरण कह रहे हो, वो तो तीर्थंकर भी नहीं टाल सके। वो लेके आया है भाई फलाने नंबर का छंद पढ़ोगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, फलाने नंबर का छंद पढ़ोगे तो कमर ठीक हो जाएगी, फलाने नंबर का पढ़ोगे तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। मैंने कमाल कर दिया भाई, जिनने लिखा था ना वे भी चले गए। तो पढ़ने वाले अजर अमर कैसे हो जाएंगे जिस अपेक्षा से तुम अमर कह रहे हो? वो हमको चमका रहा है, वो फोटो दिखा रहा है, हमने कैंसर के मरीज को बचा लिया, हमने फलाने की आयु बढ़ा दी, डॉक्टर ने 3 दिन बोला था, हमने 15 दिन जिंदा रख दिया। बहुत बड़ा गोरख धंधा है। वो गोरख धंधा इसीलिए है, सत्य वस्तु के स्वरूप से अनिविज्ञ प्राणी जहां तहां ठगाए जाते हैं। जो भयभीत होते हैं ना, भयाक्रांत व्यक्ति तो कैसे नहीं लुटता है भाई साहब। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी ना, तो हर आदमी डरा हुआ, तो आधे से ज्यादा तो इसीलिए लुट गए। कोई भी मिल गया उन्हें, कोई भी बोले हम बदल देंगे, अच्छा तुम बदल दो, ले जाओ दे दिए, और मिला ही नहीं किसको दिए। क्यों? भयग्रस्त हो गया था। तो ऐसे ही हम सब भयग्रस्त हो गए। क्यों? स्वरूप की अज्ञानता के कारण। भैया तुम जो दवाई बेच रहे हो वह बीमारी तो हमको है ही नहीं, पैदा हुए तब से पड़ रहे, कौन सा फिर से लाखों वर्षों तक जीऊं या किसकी बात कर रहे हो? तुम कौन से दुख मिटना चाहते हो हमारे? जिन दुखों को आप मिटना चाहते हो वे तो हम दुख ही नहीं मानते हैं। किन दुखों की मिटने की बात चलती है पूरे जगत में? जो दुख ही नहीं है, है ही नहीं। आप विचार करो, आप विश्लेषण करके देखो किसी भी चीज। कल अपन ने कहा था ना, हम तो हर चीज की परीक्षा करके देखेंगे। आप उसका निष्कर्ष निकाल के देखो कि जगत जिनको दुख कह रहा है वे सच में दुख है या नहीं है। भाई जगत किसको दुख कह रहा है? कि जगत तो अघातिया कर्मों के उदय से बनी हुई व्यवस्था में ही सुख दुख की कल्पना करता है, बस इससे ज्यादा उसकी मतलब सोच ही नहीं है। वो ज्यादा ज्यादा दुखी होगा तो कैसे दुखी होगा,
थोड़ा लंबा कम होगा, थोड़ा ठिगना कम होगा, मोटा कम होगा, पतला होगा, गोरा होगा, काला होगा, इससे ज़्यादा इसकी सोच नहीं है। जबकि उसमें थर्मामीटर लगा के देखो तो लंबेपन में, ठिगनेपन में, मोटेपन में, कालेपन में, गोरेपन में वहाँ सुख दुख है क्या नहीं है। कोई किट काला आदमी है, किट काला, कोयले जैसा काला है, अब बोलो उसको दुखी रहना अनिवार्य है क्या नहीं है, शोकग्रस्त तनाव में रहना अनिवार्य है क्या नहीं है। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का इतना बोलबाला है कि किट काले की तो छोड़ो, थोड़ा ही सामला हो तो मोहल्ले वाले उसको डिप्रेशन में डाल दें, तेरा भला कैसे होगा, तू तो काला है। अच्छा वो भी प्रमाणिक मानता है उस व्यक्ति को, वो भी सोचने लग जाता है मेरा भला कैसे होगा, मैं तो काला हूँ। उसका दुख देखो, क्या दुख है उसको कि शरीर का रंग काला है, ये उसका दुख है। वो मुझे मिल गया ऐसा आदमी, मिल गया उसको पकड़ के भगवान पार्श्वनाथ के पास के देख इनको, तेरे से ज्यादा काले हैं और ऐसा सुख भोग रहे हैं, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही। देखो आवाज बढ़ाने का एक ही तरीका है, एक डब्बा उनके कान के पास लगा, एक छोटा सा डब्बा, बटन दब गया तो कोई ना कोई। आप लोग सोचो तब तक जो बोला है। कितना सुख है उनके पास, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो। किसके पास, पारसनाथ के पास, काले पारसनाथ के पास। और मैं तो और फिर मैं तुम क्या को चिंता करता, तुम काले ही हो। आप कल्पना कर सकते हो तीर्थंकरों के रंग कैसे हैं, कुछ हरे हैं, कुछ लाल हैं। आप सोचो लाल रंग के तीर्थंकर जब मार्केट में निकलते होंगे रेड कलर के, क्या करते होंगे, उन्हें कैसा लगता होगा, अजूबे नहीं दिखते होंगे। सबके रंग तो नॉर्मल जैसे होते हैं, उनका लाल और किसी का हरा और कोई सोने जैसे, हाँ ये ठीक है बोले, भाई यही तुम्हारी नियत में खोट है। वहाँ दुख नहीं है, वहाँ दुख का अंश भी नहीं है। मैं कहता काले आदमी को क्या खुजली चलती है, नींद नहीं आती है, भूख ज़्यादा लगती है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ सुनी सुनाई सुना सुनाया दुख है कि जब वो टीवी देखने बैठता है हर आधा घंटे में कोई एक आदमी आके बोल जाता है कि 5 रुपया में आप गोरे हो जाओगे। बस वो वहाँ से दुख उत्पन्न होता है, अर्थात मैं काला हूँ माने दुखी, जबकि दुख का कोई भी अंश उसके पास नहीं है। अरे भाई जब पैदा हुआ है या बड़ा हुआ उसको तो पता भी नहीं, आईना ना हो तो उसको पता भी नहीं चले कि रंग कैसा है, बोलो तो क्या फर्क। यानी जिसको कह सकते हैं ये प्योर काल्पनिक दुख है, प्योर काल्पनिक दुख, काल्पनिक दुख का मतलब समझे, है नहीं, कल्पना में दुख है जिसकी सत्ता नहीं है। अब काल्पनिक दुख का नाश करने का उपाय बताओ, काल्पनिक दुख का नाश करने का, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे वे खाना ना खाएं, पानी ना पिए, दूध ना पिए, इन माताओं के पास जादू मंत्र होता है, हवा आ जाएगा बस, और उन्हें खिड़की खोली और बच्चा कहता है हाथ जोड़ के हवा को ना बोला हम जल्दी से खा लेते हैं, बोला अब बोला हवा को कैसे भगाया जाएगा, है हवा की सत्ता, है हवा की, लेकिन वो भयभीत है। क्यों भयभीत है, उसने माना। हाँ तुम्हारे आधे से ज़्यादा दुख आप लिस्ट बना लेना, वैसे दो कागज का एक टुकड़ा लेना उसके दो बीच में से ऐसे फोल्ड कर देना, एक तरफ लिखना काल्पनिक सुख दुख और दूसरी तरफ लिखना यथार्थ दुख। आप उसमें लिस्ट बना लेना कि काल्पनिक कौन कौन से हैं और फिर बाद में जब लिख लो ना दिया सारी जगह आग लगा देना कि इनकी तो कोई समस्या ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। आप सोचो थोड़ी देर प्रतियोगिता कर लो, अपना कॉम्पिटिशन करा दो, काल्पनिक दुखों की लिस्ट बना के लाइए, इनाम में एक एक रुपया दे देंगे जो अच्छे लिख के लाएंगे, सोने का आप क्या करते हैं, महवे नहीं आती पुरस्कार को आदमी बोलो। एक 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 चीज पे विचार करो आप, काले से सफेद हो गए ना, अब बस दुख शुरू हो गए। और सच बता रहे जिसके होते हैं उसे तो पता भी नहीं चलता, हर दूसरा दिन तुम्हारे सफेद हो गए, तुम्हारे सफेद, कई बार तुम अपना काम करो ना यार। क्या लेना देना है,
तुम्हारे आदमी से सफेद हो। अरे भाई क्या, मुझे उससे कुछ दुख ही नहीं है, लेकिन 10-20 लोगों ने बैठ दिया, फिर आधा आधा घंटा दर्पण के सामने निकले, एक एक निकाल के फेंके और एक निकाल के फेंके, 5 निकले उसमें से। क्या करे जी बोलो। फिर बाजार में जाके वो कालिक पुतवा लेता है, वो क्या कहते हैं उसको, डेंटिंग पेंटिंग करा लेता है। 60 साल का आदमी ऐसा लगे 40 साल का है, उसे क्या होगा, आंते ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, दाल बाटी हजम होने लग जाएगी इसको काले कर लें तो, क्या होने लग जाएगा। मशीन तो वैसी की वैसी रहेगी ना, जो कार 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है, अब तुम उसको कितना ही उस पर रंग रोगन कर लो, वो तो चल गई 1,00,000 किलोमीटर। लेकिन जिनको ठगना रहता है, निकाल नहीं रहते, ठग लेते हैं बाद में पछता रहे यार, वो तो अपने इंजन तो खराब है। वस्तु स्वरूप से कब तक भागोगे भाई साहब। मैं तो कहता हूँ हर उम्र का बढ़िया आनंद ले, बच्चे हो तो बच्चेपन का, युवा हो तो युवापन का, बुढ़ापा है तो बुढ़ापे का आनंद लो ना। उसे छिपा के आपकी तकलीफ हो जाती है, फिर कोई आपको भाव नहीं देता है, काले वाले के जवान समझता है, तू तड़ाक करके बात समझता है, आपको चिंता होती कैसे बात कर रहा है, मैं 60 साल का हूँ, तुम लगा ही नहीं रहे तो हम क्या करें। भाई तुमको इज्जत चाहिए तो बाल सफ़ेद रखो अपने, लोग तुमको रिस्पेक्ट करेंगे, दादी माँ बोलेंगे, दादा बोलेंगे, बड़ी परेशानी। खैर वापस आ, काले से सफेद हुए तो वहां दुख है क्या नहीं है, कौन सा दुख है, काल में दुख है। अब आप लगा लो जितने भी गणित हैं, किसी पे बड़ी गाड़ी है, किसी पे छोटी गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी वाले को क्या दुख है, कौन सा दुख है, ये कल्पना का, कल्पना का। आप सुनना, मैं इधर से काल्पनिक दुख लिखोगे ना तो उसके बाजू में काल्पनिक सुख भी लिख देना हूबहू। कौन से, यदि कालापन दुख है, कौन सा, काल्पनिक, तो सुनो जो लोग गोरे हैं और सुखी मान रहे हैं वे भी कल्पना में, वो काल्पनिक सुख हो गया समझो। बालों का सफेद होना यदि काल्पनिक दुख है तो घने मुलायम काले बाल जो हैं वो काल्पनिक सुख है। गाड़ी का नहीं होना यदि काल्पनिक दुख है तो जो बड़ी बड़ी गाड़ी के बाजू में सेल्फी खिंचा के फोटो अपलोड कर रहे हैं, बोले काल्पनिक सुख है, ये इक्वल हो गया ना। तो काल्पनिक दुखों की तो हमको बिल्कुल भी, अब उसके नाश के उपाय क्या करें, यथार्थ दुख का नाश करेंगे हम। यथार्थ दुख क्या है, यथार्थ दुख है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। वो कौन सा था, काल्पनिक, जहाँ दुख ही नहीं था उसको दुख मान लिया और पूरे जीवन भर उस दुख को नाश करने में मैंने लगा दिया। लोगों ने दुकानें खोल ली इस बात की, कौन सी, हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। हम कभी कौन से दुख दूर, तुम्हारा ये वाला मंत्र पढ़ो तो पैसा बढ़ जाएगा, ये वाला पढ़ो तो आयु बढ़ जाएगी, ये वाला पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला पढ़ो तो वैसा हो जाएगा। हमने क्या कहा कि भैया ये तो दुख ही नहीं है, और कदाचित ये जो सुख दुख हैं ये कौन से सुख दुख हैं, ये तो संसार के सुख दुख हैं, मोक्ष में तो इनका कोई काम नहीं ना। और हम वो जैनी हैं कि चौराहे पे खड़े होकर लोगों से चिल्ला चिल्ला के ये बोला है, क्या चिल्ला चिल्ला के बोला है मालूम है आपने, मैं आपको याद दिलाता हूँ, बोला तो आपने खूब है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, बोला है कि नहीं बोला है, ये इकलौता भजन है, सरकारी भजन है ये, सरकारी भजन माने सबका यही भजन है अकेला जो समझो बैंड बाजे वालों को भी याद है, जैनियों का जलूस हो भाई आंख बंद करके चालू करते थे, तुमसे लागी, अब कोई अर्थ पड़े तो समझ में आए उसको, तो कहाँ से शुरू किया है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, माने उन दुकानों से हमें कोई लेना देना नहीं है जो जगत के दुख मिटते हैं, क्योंकि उसकी तो हमको परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है किस बात की। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुतत्य में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये 16 कारणों की तो हमको चिंता ही नहीं है, क्यों ये सब के सब आदि लाइन में समाहित हो गए, जग के दुख की
कि भाई तुम्हें बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, आंसर दे दो। जग के दुख की तो परवा, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, जग के दुख की तो परवा, हमें परवाह ही नहीं है इस बात की, तुम उसकी दवाई बेच रहे हो। हमारा काम खत्म हो गया ना कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से, क्योंकि वहां जितने भी इलाज किए जाते हैं वो जगत के दुख से किए जाते हैं। हम वितरागता की शरण में क्यों आए, हम यहाँ यथार्थ दुखों का नाश करेंगे। काल्पनिक दुख का नाश कर भी लेंगे तो क्या हाथ में आने वाला है, काल्पनिक सुख। काल्पनिक दुख का नाश कर भी लोगे तो हाथ में क्या आने वाला है, हमको क्या लगा कि हम काल्पनिक दुख का नाश करेंगे और यथार्थ सुख आ जाएगा। समझो व्यापार नहीं चल रहा है और कि कोई मंत्र से तुम्हारा चल गया, ऐसा भ्रम हो गया तुमको उस दिन से मेरा व्यापार, तो मिला क्या तुमको बदले में। किसी को पुत्र चाह से रहता है सदा गम, किसी को अधिक संतति से नाक में दम। सुखी कौन सा ये बताओ, सुखी कौन सा है? जिसके पास धन नहीं है वो तो दुखी है, धनवान है वो सुखी है, ऑपरेशन करके देख दो उससे डबल दुखी है। क्या करे जीव, क्या करे, जबकि हमने ये घोषणा कहाँ की थी, रोड पे, रोड वाला भजन है, रोड पे खड़े होके अजैनों को ये बात सुनाई थी कि हम जैनियों के कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमको जगत के दुखों की तो परवाह ही नहीं होती है। आप समझे, घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी नौकर्म संबंधी जो अव्यवस्था व्यवस्था है उसकी तो फिक्र ही नहीं रहती है, तो फिर धर्म काय के लिए कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए। हाँ, ये लाइन पूरी नहीं हुई कि शुरू कर दिया, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। पुण्य और पाप दोनों को ये बताने वाला इकलौता भजन है सरकारी, और कोई यार तो बता देवे तो बेचारे में पढ़ना बंद कर देवे। खुल्लम खुल्ला हमने कहा था हमें पुण्य के फल में स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें पाप के फल की चिंता नहीं है। अब और उससे ज्यादा बोलो क्या होना चाहिए, समय सारणी पुण्य पाप एकत्व द्वार थोड़ी है, तुमसे लागी लगन वाला भजन है उसमें भी पुण्य पाप एकत्व द्वार है, एक ही लाइन में है दोनों बातें। कौन सी, दिल से बोलना एक बार, जग के दुख की तो लॉक कर दें, भरोसा नहीं ना पलट जाए, फिर यहां वहां जाके चादरें चढ़ाए, अगरबत्ती लगाए, दिए जलाए, गधे घोड़ों को पूजे, पत्थरों के माथा मारे, अर्थ तो समझ में आ गया ना, सरल है, हिंदी का भजन है, कोई प्राकृत नहीं, कोई संस्कृत नहीं, अभी उद्घाटन नहीं किया है मैंने, हूबहू पंक्तियां मैं इसमें पढ़ के सुनाऊंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या कहा आपने पता है, ये तो अपने विचार किया, अब आमनाएं करते हैं, कैसे, फिर से बोलो, जग के दुख की तो परवा नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बोलो, करें लो, देखो मंदिर में बैठ के बोल रहे हो आप, सोच विचार के बोलना, जो बोलोगे वो फलेगा, और अपनी बात पे डटे रहना। कौन सी बात पे, सारा ग्रहित मिथ्या तो खत्म हो जाए इस आधी लाइन से, कि जब तुम्हें जगत के दुखों की परवाह ही नहीं है, जब तुम्हें चिंता ही नहीं है उस बात की, पंडित जी कुर्ता फटा गया, हमें चिंता नहीं है, बात खत्म हो गई। उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, कि भाई आपकी शर्ट पे लोगो अच्छा नहीं लगा है, किसी ब्रांडेड कंपनी का लोगो नहीं लगा है, बोले इस बात की हमको परवाह ही नहीं है। अब जिसकी तुमको परवाह नहीं है, अब उसका क्या करना है, अमेरिका में कौन सा राष्ट्रपति होना चाहिए बोलो, अरे कई हो बैठे होंगे यहाँ, ट्रंप गलत आ गया बोले, कई हो बैठे जिन्हें पूरे विश्व का ठेका ले रखा है, जिनसे अपने घर दुकान मकान नहीं संभलते ना, वे कहते हैं मोदी ने ये कदम गलत उठाया, कांग्रेस ने ये कदम गलत उठाया, जिनकी घर में नहीं चलती है, पूरे देश के लिए निर्णय करते हैं, क्या करें, जीव को ठिकाना नहीं। तुमको बताओ तुमको समस्या क्या है, क्या हमको ये समस्या है कि समय पर खाना नहीं मिलता है, समय पर पीना नहीं मिलता है, समय पर हमको जो है दुकान व्यापार धंधा अच्छा नहीं चलता है, इज्जत आबरू नहीं है, जो जो समस्याएं हैं, बोले संसार कौन सी समस्या है, ये सारे दुख संसार के दुख है ना, तो हमने संसार के दुखों की तो हमको परवाह नहीं है,
कि घर में आग लग जाएगी, लग जान दो, उसकी तुमको परवाह नहीं, किसका घर कैसा घर। ये पावर कहाँ से आएगा? ये पावर तब आएगा जब आपको शास्त्र पर श्रद्धा हो कि पानी में जाने के बाद भी इसमें पानी प्रवेश नहीं करता है। घनघोर पाप का उदय आने पर भी चैतन्य सदन में वो पाप के परमाणु प्रवेश नहीं करते हैं। घनघोर पुण्य का उदय होने पर भी वह पुण्य आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, और इसकी हमने घोषणा कर दी। तो फिर हम क्यों माथा मार रहे हैं सब, जब तुमको संसार के दुखों की परवाह नहीं है, जब तुम्हें स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, तो फिर हम क्यों माथा मार रहे हैं? उसका क्या जवाब दिया? मैं तो जामन मरण। हमारी प्रॉब्लम तो दूसरी है भाई साहब, हमारी समस्या तो क्या है? क्योंकि हम बहुत होशियार हैं, हम चाहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब जन्म मरण ही नहीं होगा तो ये लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या दुख है क्या नहीं दुख है। पूरे विश्व में देव दर्शन की एक ही विधि है, भगवान के पास जाना, अपने अपने और सामने खड़े हो जाना, और एक लंबी विश लिस्ट उनको बोलना, हमको ये प्रॉब्लम है, 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 ये प्रॉब्लम है। जैसे सामने वाला फुर्सत में बैठा है, तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व करेगा, और कोई काम धंधा नहीं उसके पास, है ना। इकलौता जैन दर्शन है जो भीख मांगने नहीं आता है। जिनालय शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। हम भगवान के सामने बराबरी से बात करते हैं, मेरी तो सो बनी। बाकी जगह तुम्हारी सेटिंग ही नहीं हो रही है, क्या करें। क्यों आए हम भगवान के पास? जब भगवान कुछ देते देते नहीं है, भगवान कुछ देंगे नहीं, भगवान से कुछ लाभ नहीं होगा, तो फिर क्यों आते हैं भगवान के पास? वंदे तदगुण लभते, उनके गुणों को प्राप्त करने के, बस। वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, वे कर्म पर्वतों के भेत्ता हैं, वे विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, हू बहू बनने के लिए, हू बहू बनने के लिए। भक्तामर में ये बात कही है कि ऐसे धनिक व्यक्ति की सेवा करने से क्या फायदा है जो अपने समान धनवान ना बना ले गए। ये तो लोक रीति है ना, तो ऐसे भगवान की सेवा करने से कोई फायदा नहीं है जो अपने समान भगवान ना बना ले गए। मेरी तो सो बनी, इसलिए हमारी सेटिंग आपसे हो गई है, क्योंकि आपने हमको विश्वास दिलाया है कि आप अपने समान बना सकते हैं। अब दिन में 3 बार ये टेबलेट खाना, कौन सी? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। कैसे मेटे संकट तुम्हारा? कि संकट का नाम क्या है? जन्म मरण। संकट का नाम पता चल गया ना, बाकी सब तो संकट ही नहीं है, जन्म मरण संकट है। वो संकट कैसे मिट सकता है? उसको मिटाने का क्या उपाय है? स्वरूप का बोध हुए बिना आज तक किसी का जन्म मरण मिटा नहीं। और स्वरूप का बोध करने के लिए, स्वरूप का परिचय हो, स्वरूप के बारे में पता हो, तो देखो अपन ने ये समय सार सामने ग्रंथ रखा है, और इसमें हम जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से निर्जरा अधिकार की चर्चा करेंगे, कि जितने बांधने से तो बांध लिए, अब बंधे हैं ना, उनको कैसे निकाला जाए। और दिन दूने रात चौगने अगर उनको नहीं निकाला, जिसको श्रेणी निर्जरा कहते हैं, तो ये आत्मा खाली होने वाली नहीं है। और आत्मा यदि कर्मों से खाली नहीं हुई तो ये सिद्ध शिला में भी नहीं पहुँचेगी। तत्वा सूत्र का सूत्र है ना, व्यपगत लेपाला वो उदयरण बीजवत अग्नि सिखावच। जैसे तुमड़ी को मिट्टी में लपेट दो और पानी में डुबो दो, तो पानी से ऊपर कब आएगी? जब उसकी मिट्टी दूर हो जाए। तो ऐसे ही आत्मा में कर्म लिपते हुए हैं, तो आत्मा भारी हो गई है। अगर ये कर्म हट जाएं, तो आत्मा इतनी हल्की हो के फुर्र करके एक सेकंड नहीं किसने रोक रखा है? भारी हो रही है, हल्का करना है तो निर्जरा करनी पड़ेगी ना, निर्जरा के लिए निर्जरा अधिकार। तो निर्जरा होगी कैसे? कर्म बंधन के विपरीत उपाय करेंगे तो निर्जरा होगी। कर्म बंधन के विपरीत उपाय, अभी मैं करणानियोग की कोई बात पढ़ रहा था, प्रायोग लब्धि की चर्चा चल रही थी,
तो मुझे पढ़ के बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। प्रायोग लब्धि में क्या करता है जीव कि जो देशना लब्धि में तत्व सुना है उस तत्व का गहराई से विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, समझने की कोशिश करता है कि जो सुना है वो यथार्थ है। परीक्षण के काल में ना, अन्वेषण का काल है वो, मालूम है आपको, अन्वेषण के काल में, तत्व विचार के काल में जो कर्मों की क्षमता 70 कोड़ा कोड़ी की होती है, उन कर्मों की बंधने की ताकत 90 कोड़ा कोड़ी रह जाती है। समझना इसको गहराई से। क्या कहा कि समझो कर्म की कैपेसिटी होती है ना, जैसे जंजीरें होती है लोहे की, रस्सी होती ना, एक पतली रस्सी होती है जिसको हाथ से तोड़ा जा सकता है, वो थोड़ी मोटी रस्सी, थोड़ी और मोटी रस्सी, थोड़ी और मोटी रस्सी, थोड़ी और मोटी रस्सी, तो ऐसी मोटी मोटे रस्से हों और उनसे हम आपको बांधने वाले हों, तो बोलो अब आपका बंधन मुक्त होने की संभावना है कितनी। और पतली पतली रस्सियों से, धागे से लपेट दें, जब बच्चे खेलते हैं ना बांध दें धागे से, अब मुक्त होने की संभावना है। तो जो मोटी मोटी रस्सियों से बंध बंधने वाला था, जैसे ही आप तत्व विचार की कक्षा में पहुंचे, वो मोटी मोटी रस्सियां धागे में बदल गई। क्योंकि निर्बंध तो अभी नहीं हुए ना, जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई है, बंध तो होगा, लेकिन जो 70 कोड़ा कोड़ी का बंध था वो 90 कोड़ा कोड़ी का रह गया। काय से भाई साहब, किस चीज से, किस चीज से, कि मैंने स्वरूप के बारे में विचारना शुरू किया इस चीज से। ओहो, अब थोड़ा इसका खुलासा करो, इसका अर्थ निकालो। 5-5 लाख रुपए खर्च करके हम बैंड बाजे वाला बुलाएं और 1-1 लाख की वेशभूषा पहन लें, 10-10 लाख के हीरे का हार पहन लें और रोड पे जय महावीर करते हुए जाएं, तो वो लोग कितने कर्म बंधने से भागेंगे? कुछ कम होगा कर्म बंधन में, कुछ कमी पेशी आएगी कि नहीं आएगी? कि सुनो, मानादि हुआ तो और डबल बंधेंगे, कषाय बस हुआ तो और बंधेंगे, प्रदर्शन की भावना से हुआ तो और बंधेंगे, दूसरे को दिखाने के लिए हुआ तो और बंधेंगे, कि उसने 1 लाख का मंगवाया तो हमारा जलूस 1.25 लाख का निकलेगा, तो और पाप बांधोगे। और तत्व विचार के काल मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, मुझमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इस चिंतन के काल में वो कर्म जो 70 कोड़ा कोड़ी बंधने की ताकत रखता है, वो बंधाव सर्पण होना लग जाता है, स्थिति कांडक अनुवाद कांडक घात होने लग जाते हैं। अब भड़वाना नहीं, ऐसे कठिन कठिन शब्द बोल रहा हूं, तो सरल अर्थ इसका इतना सा है कि समझो 100-200 लोग आपको मारने पीटने आए हों और आपने जैसे तत्व विचार किया तो आधे तो भगा ही जाए, तुरंत 4-5 खड़े रह जाए, और कंटिन्यू तत्व विचार किया तो भाई 4-5 में भी 2-3 खिसक जाए, और लगातार चालू रखा, अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में गए तो वहां कोई खड़ा मिलेगा आपको? और एक बार यदि आपने उनको मुक्त कर दिया, द्वारा वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं, एक बार कोई मार खा ले अच्छी वो फिर द्वारा नहीं देखता है, उस मिथ्यात्व की हिम्मत नहीं है, वो दर्शन मोहिनी प्रकृति की हिम्मत नहीं है कि द्वारा आपको अनंत काल के लिए बांध सके। अर्ध प्रद्वल प्रावर्तन काल शेष रह जाता है, किस बात से, जो ये विचार करता है उस बात से। क्या विचार करता है, देखो उद्घाटन तो कर ही देना, जो चर्चा अपने को करनी है, मुख्य रूप से अपने को 144 नंबर का कलश चलाना है मुख्य रूप से, और निर्जरा अधिकार की पूरी बात करेंगे। ये कलश लगभग मैं समझता हूँ गुना समाज के लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ की स्वाध्यायी समाज है ऐसा सुन रखा है ना? हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल सही पकड़े, ऐसा आपने बोला ना, ऐसा आपने बोला, तो वो जो कर्म था कौन सा 70 कोड़ा कोड़ी वाला, वो 90 कोड़ा कोड़ी रह गया। अरे सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप सुबह से शाम तक जैन धर्म की सारी क्रियाओं को देख लेना, आप 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 दिन तक भूखे रहोगे, कर्म हिलेंगे नहीं, टस्से मस नहीं होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है उपास आदि नहीं करना, ये तो मजबूरी है, बीच में बोलना पड़ता है ऐसा नहीं करना, वरना वन वे चलने दो, सच में मजा तो तब आता है, अध्यात्म का रस तभी पकता है, वो बीच बीच में हमको वो कंडीशन स्टार जो लगा रहता है ना वो बताना पड़ जाए तो फिर विज्ञापन का मजा खत्म हो जाता है। विज्ञापन कैसे होते हैं, 10 लाख रुपया मिलेंगे, फिर वो नीचे स्टार लगा रहता है, कंडीशन अप्लाई भाई किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बोलो।
आप ठोको उपवास पे उपवास, कर्म टस से मस नहीं होंगे, करो तीन तीन घंटे छः छः घंटे पूजा, हिलेंगे नहीं कर्म अपनी जगह से, निकालो बड़े से बड़े जुलूस, बांधो बड़े से बड़े मंदिर। ओहो क्या बात कर रहे हो, और तत्व विचार करते ही थर थर कांपते हैं, ये भेद है। इसलिए स्वाध्याय जो है ना परम तप कहा गया है, असली तप है ये, पढ़ना सुनना वाचना पढ़ाना सुनाना बचवाना ये तप है। कि आप जो बैठे हो ना ये एक घंटे तपस्या कर रहे हो आप, क्यों? केवली भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठे हो। लेकिन तो एंटी मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कई बार चीज की। एक बार मैं फिलिप्स का बल्ब लेने गया एक दुकानदार पे, भाई साहब फिलिप्स का बल्ब दे दो, पता क्या कहता है, अरे उससे अच्छा देता हूँ। अरे वो तो कंपनी बस है, बनते तो सब चाइना में, सब फिलिप्स लिखा है, तुम ये ले लो। उसने आधा घंटे तक इतने भाषण दिए कि मेरी बात समझ में आ गई कि फिलिप्स में दम नहीं है, इसकी में दम है, जबकि हकीकत इससे उलट है भाई। वो ब्रांड ऐसे ही ब्रांड नहीं है, वो अपने आप को मेंटेन रखता है, वो अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन रखता है, वो विश्वसनीयता को मेंटेन रखता है। और चाइना का हम ले आए और गए भाई साहब बदलने के लिए, फूक गया, अरे भाई साहब यार पहले ही कहा था ये तो चाइना का है। अरे भाई साहब तो पहले कह रहे थे उससे बढ़िया है, अब क्या कह रहे हो, कंपनी का थोड़ी है जो हम बदल के देंगे। हम और आप ऐसे ठगाए जाते हैं एंटी मार्केटिंग से, उसने कह दिया इतना उपवास का फल, उतने उपवास का फल, फराना फल टिकाना फल, तो दिमाग में ठूंस ठूंस के भर गया। जो भूखा प्यासा पड़ा रहता ना वो तपस्वी दिखता है, जो चार घंटे पढ़े स्वाध्याय करे हमें लगे कोई तपस्वी है। भैया ये महातपस्वी किसको कहना, तप का अर्थ बताओ। तत्वासूत्र कहता है तपसा निर्जरा, जिससे निर्जरा हो उसका नाम तप है। तो बोलो सर्वाधिक निर्जरा किससे होगी, जब मैं ये कहूंगा चिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस चिन्ह मात्र चिंता मणिरे सयस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। ऐसा सोचने से कर्म ढीले पड़ जाते हैं, अभी अर्थ नहीं बताया है। ऐसा बोलने से कर्म ढीले, ये प्रायोग लब्धि का काल है, हम विचार कर रहे हैं। और कब आप जंप लगा के कर्ण लब्धि में पहुंच जाओगे वो अपना अपना है, वो निजी मामला है। क्योंकि हमारे पास क्षयोपशम मिला, हमारे कोई विशुद्धि हुई, हमको ये केवली भगवान की वाणी मिली, देशना मिली। भाई साहब अभी एक घंटे जो प्रवचन चल रहे हैं ये किसके प्रवचन चल रहे हैं, कई मूर्खों को लग रहे हैं पंडित जी विपिन जी आए हैं देश में, ख्याति प्राप्त उनके चल रहे हैं। ठगाए जाओगे भाई साहब, ठगाए जाओगे, एक अक्षर अपना नहीं है। हम आचार्यों से पूछ रहे हैं, आचार्य भगवान आपने कुछ कहा कि नहीं, हम आचार्यों से पूछे भगवान आपने कुछ कहा, क्या कहते हैं वे, केवली भणिदम वहां जाओ। वहां पहुंचे भगवान आपने कुछ कहा, जो पद झल के श्री जिनवर के ज्ञान में, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वाणी में आया। बोलो कोई आधिपत्य अधिकार की बात नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा। ऐसा विचारने पर, ऐसा चिंतन करने पर, ऐसा सोचने पर क्या होता है, कर्म थर थर कांपने लगते हैं। ये गाथाओं का जब हम पाठ करते हैं ना, ये श्रुत है, ये केवली की वाणी है, इसको जब बोलते हैं, इसको जब सुनते हैं, तो क्या होता है इस काल में उपयोग एकाग्र होता है, इस काल में तीव्र मिथ्यात्व तो बंध ही नहीं सकता है, मन अनंत काल तक जीव रुले ऐसी अवस्था बनती नहीं है। ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, शायद समय अपना हो गया है, विशेष चर्चा अपन इसकी रखेंगे। आप सब 10 लक्षण धर्म के अवसर हैं, ज़्यादातर लोग फ्री होंगे, व्यापार आदि से फ्री होंगे, कई लोग तो 100% बंद कर देते होंगे अपना व्यापार आदि, जैसे मैं करके आया हूँ। कई लोग 50% करते होंगे जैसे मैं करके आया हूँ, कभी 2-3 घंटे के लिए खोल लेना, कोई आए तो घबराए नहीं कि पंडित जी भाग भूख गए क्या ले ले भागे। तो समय इन काल में बहुत रहता है, उस समय का यदि आपको सच में तपस्या करनी हो, सच में तपस्या करनी हो, तो ये निर्जरा अधिकार अपना चलेगा। आप इसको पढ़ें सुनें समझें, आगे पीछे भी इसका वाचना करें,
तो फिर इसकी चर्चा अपन विशेष इसमें अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय। चलेंगी जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं, तो दोनों ही पधारें और आदरणीय